हाँ तो मेरा नाम सानू है, किसी को मालूम है क्या? तो आज का जर्नी होने वाला है मॉल रोड से कुफरी के लिए। तो जो भी आप लोग शिमला में मॉल रोड में रुके हुए हो, अगर आप लोग कुफरी आना चाहते हो, आप लोग कोई भी आइडिया नहीं है या फिर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो स्पेशलिस्ट आप लोग के लिए है। तो देखिएगा क्या क्या इस वीडियो में हुआ है और कैसे कैसे मैं आया हूँ। और एक बात गाइस, अगर आप लोग मॉल रोड से कुफरी के लिए आते हो तो मिनिमम से मिनिमम आप लोग कम से कम, अगर आप लोग कार बुक करके आते हो तो कम से कम 1 से 1.5 हज़ार रुपये लगेगा। लेकिन आप लोगों को मैं आज बस से लेके आऊँगा और इतना चीप रेट में कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं कुफरी, तो कुफरी जाने के लिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को, तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे पहले वाले ब्लॉग में कि हम लोग मॉल रोड से हम लोग कैसे आए। तो पहली बात है कि लक्कड़ बाजार मार्केट हम लोग को घुसना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी भी दुकान वाले से पूछ लोगे तो हम लोग का पुराना लक्कड़ बाजार बस स्टैंड किधर है तो वो कोई भी बता सकते हैं। चलिए अभी आप लोग लेके चलते हैं बस स्टैंड और फिर वहाँ से क्या प्रोसेस है वो आप लोग को पूरा बताएंगे। चलिए दोस्तों, ये रहा बस स्टैंड। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये लोकल बस स्टैंड है और यहाँ से आप लोग को कुफरी के लिए बस इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को आना है लक्कड़ बाजार मार्केट होते हुए बोलना है ये कि मुझे लोकल बस स्टैंड जाना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बस स्टैंड से हम लोग कुफरी आ चुके हैं और कुफरी यहाँ पर हम लोग को मेन लोकेशन में उतारेगा और हम लोग अभी है कुफरी के मेन लोकेशन में, क्योंकि अभी हम लोग को चलना है ऊपर और यहाँ ऊपर जाने के बाद हम लोग को कैसे जाना है वो आप लोग डिसाइड करना है। चाहे वो आप हॉर्स से जा सकते हो, चाहे वो आप कार से जा सकते हो, अगर आपके एक्सटेमिन जाता है तो आप पैदल भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम लोग का जो भी बस से आए थे उसका चार्ज मात्र 30 रुपये रहेगा गाइस, 30 रुपया। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 30 रुपया, जो कि कितने सारे लोग मेन जो मॉल रोड है वहाँ से 1,000 रुपया 2,000 रुपये तक देकर आते हैं लोग। इसीलिए मैंने बताया मेरे साथ रहोगे एकदम चीप से चीप रेट में आप लोगों को घुमा दूंगा। और एक बात गाइस, हम लोग कुफरी अभी पहुँच चुके हैं बस से, तो हम लोग लक्कड़ बाजार से बस पकड़े थे जैसे कि आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया। तो वहाँ से और यहाँ तक लक्कड़ बाजार से शिमला का लक्कड़ बाजार से कुफरी 16 किलोमीटर है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, और सिर्फ 30 मिनट में हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है कार और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर और ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। सजन जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाच नचा दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज come a little close, तू मेरा रोज come a little close। गाइस, हम लोगों ने जैसे कि नीचे से कार लिया था तो हम लोग का 200 लगा कार का रेंट, जो हम लोग यहाँ पर आकर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से आप लोग को अगर और ऊपर जाना हो वैसे तो जाहिर से बात जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग हॉर्स रेंट भी ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू वगैरह लगे हुए हैं जो कि आप लोग कभी दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा और सारा कुछ मेन्यू लगा हुआ है जो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए आप लोग को बता दे गाइस, यहाँ पर जो कुछ भी लगा हुआ है ये सारा कुछ आप लोगों को ऊपर मिलेगा। तो ये देख लीजिए आप लोग सारा कुछ जो कि यहाँ पर फेमस प्लेस है और ऊपर में जो भी गार्डन वगैरह है, तो ये है ऐसा कुछ प्राइस जो आप लोग को दिख रहा है। बस यही है गाइस और चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर गाइस ऊपर में पूरा मार्केट ही मार्केट है, खाने पीने से लेकर छोटे मोटे खरीदारी तक के लिए भी। और जैसे कि हम लोग ऊपर अभी आए हुए हैं ना, तो ठंड और बढ़ गया है और जितना ऊपर अभी हम लोग जाएंगे उतना ठंड बढ़ेगा। और सारे लोग पीछे पड़ गए हैं हम लोग के पीछे कि घोड़ा ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, लेकिन हम लोग क्या पता, हम लोग खुद ही चढ़ जाएंगे ऊपर। लेकिन जैसा भी होगा आप लोगों को इन्फॉर्म एकदम करेंगे।
कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। वैसे तो आप लोगों को बता दिए कि ये सब ऑप्शन है, आपके पास अगर गाड़ी है तो आप गाड़ी करके जा सकते हैं, बाइक है तो बाइक से जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके एक्सट्रीमिटी ना ज़्यादा है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर अगर आप चल नहीं पाओगे तो घोड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारा भीड़ है घोड़ा लोग का, तो हम लोग घोड़ा से जाने वाले नहीं हैं। हम लोग का मतलब है कि आप लोग और हम, समझे, तो चलते हैं अभी ऊपर और फुल दिखाएंगे, लेकिन सारे लोग जा रहे हैं घोड़ा से, लेकिन कोई बात नहीं। आप पता है यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर है, सिर्फ, बताइए। और इतना नहीं चढ़ सके तो फिर क्या चढ़ेंगे, है कि नहीं? चलिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा रूट है, देखिए गाइस। भाई तो साइड हो जा रहा, तो ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है गाइस। मेरे साथ तो कोई दिख नहीं रहा है जाने वाला, और हम अकेले जा रहे हैं अभी तक। अच्छा, इधर से उत्तर रास्ता है क्या? ना ना, घोड़ा नहीं लेना। नहीं भाई, अभी नहीं चढ़ेंगे तो कब चढ़ेंगे, बहुत एक्स्टेमिना है थोड़ा सा गाइस। इधर धूल धड़कड़ ज़्यादा है, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं कोई ना कोई मिलेगा तो पकड़ा देंगे कैमरा, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। अगर आप लोग मॉल रोड से यहाँ आ रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने मैंने बताया, गाड़ी से अगर आओगे, मतलब कि रेंट की गाड़ी से, तो 1 से 2 हज़ार रुपये लगेगा यहाँ तक आने के लिए, तो नीचे रोड तक आने के लिए, फिर वहाँ से कार से फिर यहाँ ऊपर आओगे, ठीक है, तो ऊपर आओगे तो वहाँ पर पैसा लगेगा। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे बहुत पावर है, अरे कोई नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अरे नहीं नहीं, अरे भाई साहब डर क्यों रहे इतना? डरने वाली कोई बात ही नहीं है, अरे भाई साहब सका सा बना रहे ब्लॉग पे, यही तो ब्लॉग का मजा है, हर कोई हर कोई घोड़ा में बनाता है, मैं पैदल बनाऊंगा। तो क्या बोल रहा था मैं, तो फिर वहां से ऊपर आओगे तो फिर पैसा लगेगा, और फिर ऐसा नहीं है कि वही गाड़ी आपको नीचे छोड़ेगा, नहीं, फिर से आपको अगर आप नीचे जाना पड़े, नीचे जाना हो तो आपको फिर से बुक करना पड़ेगा। तो देखिए, जो भी वो लोग लेते हैं, अपना मेहनत तो लेते हैं, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी बात है, ठीक है, तो वो बजट जिनका है वो जा सकते हो, और जिनका बजट नहीं है वो अपना देख सके, बजट बजट के अनुसार आप लोग काम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे पैदल जा रहे लोग, तो सब तरह के लोग मिलेंगे, और मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट टाइम आओ तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी का नज़रा आप लोग दिखाते आगे, ऐसा है, सुनसान है, और मुझे ये यहाँ घोड़े वाले लोग बोल रहे हैं कि भी 200 ही ले लो, जो कि 500 रुपये दाम है ऊपर छोड़ने का, और ये घोड़ा ऊपर छोड़ेगा आपको, ठीक है, और छोड़ने के बाद फिर आप अगर नीचे आना चाहोगे तो फिर नीचे का ही पैसा लेगा, तो समझ रहे हो ना, पूरा पैसा गेम है। जैसे कि अभी हम लोग आए कार से तो ऊपर तक छोड़ दिया, ठीक, और फिर अगर नीचे जाएंगे फिर कार लेना पड़ेगा, फिर पैसा लगेगा, और वो तो जाना ही पड़ेगा ना, वो काफ़ी दूर है, 3 किलोमीटर है, फिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। तो ऊपर अभी दिखाते हैं नज़ारा कैसा है। देखिए कितने कितने छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ घोड़े चला रहे हैं। और गाइस यहाँ पर ठंड एक नंबर है, एकदम ठंड, बहुत मज़ा आ रहा है, पता है कितना डिग्री है, 15 to 20 degrees, आई लव विंटर। लेकिन देखिए महंगा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि नीचे से जब आते हैं वो लोग तो काफ़ी पेट्रोल लगता है, काफ़ी डीजल लगता है, तो गाड़ी का रेंट वेंट लेकर फिर यहाँ का टैक्स वैक्स टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है मेरे थिंकिंग के हिसाब से कि वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा तो मैनेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उतना दूर से लेके आते हैं वो लोग, मेहनत भी करते हैं, तो थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कैसा सोचते हैं, महंगा सोचते हैं, या बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ भाई बहुत महंगा, तो रीज़न तो जानो महंगा क्यों है, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ का पैसा ले रहे हैं, बस ऐसा थोड़ी ना है कि फ्री में कोई पहुंचा दे रहा है या फिर फ्री में कोई ला दे रहा है। तो गाड़ी, हाँ जी, सानू छेत्री, हाँ ओके, तो ऐसा बात है, तो लोग बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं। ये देखिए ऐसा नज़ारा है, ऐसे लोग आ रहे हैं।
पता है एक बात का मुझे प्रॉब्लम है कि ना सिंगल अगर ट्रैवलिंग करते हैं ना तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत नहीं, मतलब एक चीज़ का दिक्कत होता है, क्या? फ़ोटोशूट, वीडियो रिकॉर्डिंग तो वो खुद करना पड़ता है। फिर कितना ही हाँ अगर कोई साथ में होता तो उसे कह सकते थे। इसलिए सिंगल में एक ही प्रॉब्लम होता है इसी चीज़ को लेकर। अगर आप लोग कोई घूमने वाले या ट्रैवलिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ घूम सकते हैं। रही बात आप लोग बोलोगे कि हाँ आप लोग के फैमिली मेम्बर कोई नहीं है, तो फैमिली मेम्बर है लेकिन मेरे जैसे मतलब कि ट्रैवलिंग के कीड़े नहीं हैं। मैं ऐसा लड़का हूँ कि मैं 2 दिन तक बिना सोए ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेरे फैमिली मेम्बर लोग हैं उनमें कोई कोई ऐसे है लेकिन उन लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, और जो बाकी के फैमिली मेम्बर है वो ऐसे जगह में आ नहीं पाएंगे या फिर नॉन स्टॉप जर्नी कर नहीं पाएंगे, जो कि मेरा नॉन स्टॉप ही जर्नी होता है जैसे कि आप लोग देख ही लिए होंगे और अभी तक पता चल गया होगा। तो अगर आप लोग में से कोई ट्रैवलिंग के बहुत भयानक वाले कीड़ा है तो मुझे मैसेज करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ थोड़ी देर घूमने के बाद थक गए ये वो, मेरे साथ रहना तो थकना मना है। देखिए ऐसा कुछ सीन है, चल भाग चले कहीं यार, जहां रात कटे वहीं आए एक साथ ढले अब आ। हाँ कुछ जुली ली ली दिन तेरे किड दा दा दा, हाँ कुछ जुली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आने के लिए सीधा ढलान पड़ेगा। देखिए राजधानी एक्सप्रेस आ रही पीछे से। देख रहे हो यही धूल जो है ना दिमाग का दही कर दे रही है। बाप रे कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई साहब? मुझे तो लगता है ना यहीं पर आकर सबको उतार दिया गया है, तो ठीक ही हुआ कि मैंने घोड़ा नहीं लिया। अगर आपको थोड़ा सा फिट हो तब तो एकदम मस्त आ जाओ पैदल, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक ही हुआ मात्र, मुझे तो लग रहा है कि 2 किलोमीटर भी नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों से बात करते करते ऊपर मस्त आ गया, और जो यहाँ भी 1-2 टेंट दिख रहा है मुझे लंच डिनर करने के लिए। तो गाइस अभी यहाँ पर फिलहाल तो काफ़ी भीड़ कह सकते हैं कि है ही, बाकी देखते हैं आगे। और अभी आज पता है संडे है, तो संडे को लेकर वीकेंड में हो सकता है कि काफ़ी भीड़ है। जो जो लोग कभी चढ़े भी नहीं है घोड़े पे वो भी चढ़ जा रहे हैं, उसके बाद पूरा मेला पूरा खतरनाक वाले, तो फिर समझ सक रहे हो जो जो फर्स्ट टाइम चढ़ते होंगे वो लोग का क्या सीन होता होगा, है ना। देखिए ऐसा कुछ है नज़ारा, वो घोड़े अरे माँ का संपर्क इधर गिरा देगा हम लग रहा है, गलत जगह में चल रहा लग रहा है। अब यहाँ से जाना कहाँ, आज से मैं 3 साल पहले आया था तो गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ है। तो हम लोगों ने ले लिया 10 का टिकट और जा सकते हैं, अच्छा बात है कि 10 का टिकट में ही हो जा रहा है। चलिए फिर अंदर किधर से रास्ता है पता नहीं है, चलते हैं ना, कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा। अच्छा दिख गया हम लोग को, ओह माय गॉड यहाँ पे दिखेगा इस क्या है, पढ़े लिखे लोग कमेंट करें बताइए क्या है। अगर जनवरी के दिन में आओगे ना, नहीं अगर जनवरी के दिन में आओगे तो इतना बर्फ मिलेगा ना आप लोगों को, कुछ बोलने की बात नहीं है। तो अगर आप लोग स्पेशलिस्ट दिसंबर या जनवरी के मंथ में आते हो ना तो आप लोग का फुल पैसा वसूल है। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी आओ तो आप लोग को कन्फ्यूज ना हो कि ऐसा ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों को सारी एक्टिविटी करने को मिलेगी जो भी आप लोग देखे हैं वीडियो पर या फिर मोबाइल पर। तो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप लोग कि शूट वगैरह चल रही है और ऐसा कुछ है यहाँ पे नज़ारा। लेकिन कैसे पता है यहाँ का ना मैगी का अलग ही टेस्ट है,
अच्छा, पैसा तो लेते हैं लेकिन अच्छा है। ये रहा आपकी नज़रों के सामने, जो कि मेरा तो कोई काम का नहीं है। अभी हम लोग घुस गए गाइस मार्केट तरफ। मार्केट की तरफ आ गए हैं और कुछ अभी ज़्यादा तो रश है नहीं, और हम लोग को अभी जाना है वहाँ पर ऊपर। अभी तक हम थके नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि खाने पीने को लेकर बहुत यहाँ पर लोग सीरियस है, जो कि दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। इधर भी है गाइस। बताइए, सुनाइए। नहीं नहीं कुछ बुकिंग नहीं है, समझ लो फिर करना है। नहीं नहीं कुछ नहीं करना मुझे, अरे कुछ नहीं कर रहा। हाँ दो कुछ, आप पता क्या छोटे वाला लो आप जिप लाइन। नहीं नहीं करना ही। ओहो आपने छोटे वाला ले रहे ना, बड़े वाला हो गया। थैंक यू। आई वाला क्या बंदा है तू, मार तेरे पेपर रख ऊपर। अरे भाई कहां से आप? मैं दिल्ली से। बुरा नहीं मांगा? हां बुरा क्यों मांगा है। नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम सानू है। सानू भाई हां, जितना वगैरह करेंगे कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे घूमने। नहीं इससे पहले भी मैं आया हुआ हाथ में। अरे नहीं नहीं अब मैं आपने देख लेगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा बच के रहना है, और वो अगर आप लोग नए आएंगे तो थोड़ा सा आप लोग घेरा जाएंगे, समझ रहे हैं ना। और हम तो नए नहीं हैं, हम घेराते नहीं, हम घेर देते हैं बस। यहाँ पर शूटिंग वगैरह कुछ बोल रहे थे, शूटिंग वगैरह है। ऐसा तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरा ही खुद का शूटिंग चल रहा है, दूसरा क्या लेना देना। पता नहीं ऊपर उधर क्या है, तीन चार साल बाद आए ना तो पता नहीं चल रहा है। अच्छा यहाँ पर ऐसा है ना कि आप लोगों को पहाड़ देखने को मिलेगा, जो कि देख रहे होंगे बड़ा बड़ा कैमरा वगैरह लगा हुआ है। भैया 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा तो, वरना लाइक करो फॉलो करो।